एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। धारा 370 की बात कर रहे थे तो धारा 370 समाप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे तो रामलला का मंदिर बन रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ भी यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उत्तराखंड की राह पर चलेगा उत्तर प्रदेश? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश को अब यूसीसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब समय की जरूरत है कि पूरे देश में एक समान कानून लागू किया जाए। पहले की सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। डिप्टी सीएम का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को भोपाल दौरे के बाद आया है, जहां उन्होंने देश के सभी राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करने का संकेत दिया था, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर सियासत में उबाल आने लगा है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सभी को समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की मांग करने के साथ ही इसका स्वागत भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार भी इसके पक्ष में है और इस दिशा में सोच रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा के मुख्य वादों में से एक है। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के साथ प्रदेश में भी अब इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और कानून हो, इससे बाहर निकलकर यूपी सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रही है, उसी प्रकार से यूपी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी कॉमन सिविल कोड को लेकर विचार चल रहा है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृहमंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत सबके लिए एक जैसा काम हो रहा है, तो कॉमन सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैर भाजपाई लोगों को भी इसकी मांग करनी चाहिए, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में कॉमन सिविल कोड भी शामिल है। अगर इस पर विपक्ष साथ देता है तो अच्छा है, अगर विपक्ष साथ नहीं देता तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 में भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया था, उसके बाद भी हटाई गई, और ये कॉमन सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है, और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके, और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग, सबके लिए एक जैसा कानून हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे, उनमें से एक यह भी है कि हम धारा 370 की बात कर रहे थे तो धारा 370 समाप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे तो रामलला का मंदिर बन रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। नहीं, विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है, अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं कि धारा 370 में विपक्ष साथ नहीं दे रहा, धारा 370 नहीं हटी। विपक्ष भगवान राम को काल्पनिक बता रहा था तो वहां रामलला का मंदिर बनने का मार्ग नहीं प्रशस्त हुआ। विपक्ष साथ देगा तो यह विपक्ष की भलाई के लिए अच्छा होगा, नहीं साथ देगा तो जो भाजपा का एजेंडा है उस दृष्टि से भी, और प्रदेश और देश के लिए भी, इसको को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड में पहले से ही कॉमन सिविल कोड
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जल्द ही वहाँ विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा।